खंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पुराणों के अनुसार श्री ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की है। स्वर्ग लोक देवताओं का निवास स्थान है, जहां इंद्रदेव राज करते हैं। पृथ्वी लोक जहां हम और आप जैसे मानव रहते हैं, और पाताल लोक जहां असुरों का निवास है। इस ब्रह्मांड का निर्माण करना जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है उसकी सुरक्षा। सुरक्षा लालच ईर्ष्या और द्वेष जैसी आसुरिक प्रवृत्तियों से, तो फिर निर्माण के बाद इस समस्त जगत को पालता कौन है, चलाता कौन है, कौन है इस सांसारिक रथ का सारथी, कौन है? प्रकृति धारा
विकृति ने ललकारा, धर्म का सूरज लगा डूबने, घिर आया जब अंधियारा, तब तब शिर सागर से उठ कर करने सृष्टि का उद्धार, तब तब शिर सागर से उठ कर करने सृष्टि का उद्धार। श्री विष्णु ने युगों युगों से लिया है, आ लिया है धरती पर ने अंदर से बंद कर लिया है। तोड़ दो दरवाजा। सॉलिड लकड़ी का है, इसकी खोपड़ी की तरह। तो जला दो ना इसकी खोपड़ी को। अबे दरवाजे को। ठीक है, जला देते हैं। पॉपकॉर्न बन जाएंगे। डरो मत बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो। वो गुंडे भाग गए। आप कौन है? अरे मैं तो पुजारी हूँ, भगवान का सेवक। आप ही ने हमें बचाया ना? नारायण नारायण। बचाने वाले तो वो है जिनकी तुमने प्रार्थना की थी, भगवान विष्णु। लेकिन मैंने तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना की थी। वो भी तो भगवान विष्णु के अवतार है। मैं नहीं मानता, आप ही ने उन्हें भगाया होगा। मतलब भगवान सचमुच यहाँ आए थे हमें बचाने? हाँ, सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की भगवान हमेशा मदद करते हैं, यही सत्य है। नारायण नारायण। सब यही कहते हैं, मगर मैं आपके सत्य को नहीं मानता।
लगता है सनातन सत्य से इनका परिचय कराना ही होगा। सनातन सत्य, ये क्या होता है? अरे बताता हूँ, पहले मेरे साथ ये मंत्र तो बोलो। इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भैया अपने आप को देखो तो, बिल्कुल पंडित जी लग रहे हो। लेकिन हम है कहाँ, इतना भी नहीं जानते। हम आसमान में हैं। ये कैसे मंत्र हैं? अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं ईशेत्वा उर्जेत्वा अग्न आयाहि वीते। ब्रह्मदेव निद्रावस्था में है और वेदवाणी उनके मुख से निकली जा रही है। यदि मैं इनको आत्मसात कर लूं, तो मैं भी इनकी तरह अमर हो जाऊंगा। नारायण नारायण। आप कौन है? मैं? आपका चेहरा पहचाना सा लग रहा है। मैं देवर्षि नारद। बाप रे, वही जो लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हैं। ये क्या हो रहा है, देवताओं में भी झगड़ा लगा दिया क्या? नारायण नारायण, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, ये तो प्रलय शुरू हो गई है। प्रलय क्या होती है? माने इस जगत का अंत। अंत? हे भगवान, एक बार फिर से हमारी मदद कीजिए प्लीज। आप इस प्रलय को रोक नहीं सकते? नारायण नारायण, डरो मत बच्चों, तुम सुरक्षित हो। ये कैसा अनर्थ हो रहा है मुनिवर? ब्रह्मदेव निद्रावस्था में है और वेदवाणी उनके मुख से निकली जा रही है और वो राक्षस हाइग्री वेदों को आत्मसात कर रहा है। यदि ऐसा हो गया तो हाइग्रीव अमर हो जाएगा और मानवता वेदों से वंचित रह जाएगी। यह संभव है? विधि के विधान को कौन बदल सकता है? मनु को छोड़कर सभी का अंत निश्चित है। अमर मानवता को अगले युग में ले जाने का दायित्व जो है, अब मुझे ये निर्णय लेना है कि मनु की भूमिका कौन निभाएगा। भगवान विष्णु। ओम भूर्भुवस्व। ऋषि सत्यवत मेरा परम भक्त है, वो दयालु है, विवेकशील है। मनु के दायित्व के लिए मैंने उसका चयन किया है। दया कीजिए महाराज, जल में फेंक देंगे तो बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, दया कीजिए। डरो मत, तुम मेरी शरण में हो। ऐसे क्या देख रहे हैं महाराज? आपका कमांडर तो मेरे लिए छोटा है, किसी बड़े पात्र में डाल दीजिए मुझे। तुम साधारण मत्स्य नहीं हो सकते, विश्वास ही नहीं होता कि पहर भर में ही तुम्हारा नन्ना सा रूप ऐसे विशाल काय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कौन हो तुम? क्षमा कीजिए प्रभु।
आपको पहचान नहीं पाया, किंतु धरती पर इस मत्स्य रूप में मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने आया हूँ। ध्यान से सुनो, आज के सातवें दिवस पृथ्वी को जल समाधि लेनी होगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा किंतु तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे क्या करना होगा प्रभु? सभी सप्तऋषियों, पशु पक्षियों, जड़ी बूटियों, पेड़ पौधे, अन्य बीजों को एकत्रित करके इसी स्थान पर प्रतीक्षा करो। एक नौका आकर तुम सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। जाओ, समय कम है और कार्य अधिक। आयुष्मान भव। ग्रीव, मुख नहीं खोलना, वेद तो जाएंगे ही, प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। वेद मेरे पास सुरक्षित हैं, आने वाले युगों के मार्गदर्शन के लिए। पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया है। कहाँ है नौका? भगवान विष्णु ने जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण होना ही है। केवल वेदों की रक्षा की वरन नए युग के स्वर्णीय भविष्य का प्रवेश द्वार भी खोल दिया। पृथ्वी लोक पर जनजीवन सुचारू रूप में चलता रहता है तो स्वर्ग लोक में भी शांति, प्रसन्नता और खुशहाली छाई रहती है। लेकिन आकाश में छाए घने बादल किस ओर संकेत कर रहे हैं? ऋषि का, किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? हुआ ये कि ऋषिवर ने बड़े स्नेह से इंद्रदेव को एक पुष्पमाला भेंट की। वो ठहरे इंद्रदेव, अहंकार वश वो पुष्पमाला उन्होंने ऐरावत को दे दी। ऐरावत भी कुछ कम नहीं, उसने वो पुष्पमाला पांव तले रौंद डाली। अब यदि इंद्र देवों के देव हैं, तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी तीनों लोकों में विख्यात है। मैं आपको
और आपके अन्य देवताओं को श्राप देता हूँ कि आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। बस दे डाला श्राप, हो गया सब कुछ नष्ट। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। मुनिवर, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ना। सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो भी करना है भगवान विष्णु करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मैं भी नहीं फेर सकता। तब क्या यही हमारी नियति होगी, पराजित, दुर्बल, अशक्त? क्या मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, आप लोगों को सागर मंथन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी योग्य निधियां प्राप्त होंगी उनसे ही स्वर्ग लोक की खोई हुई मर्यादा का उद्धार होगा। सागर मंथन से अमृतपान करने के उपरांत आप फिर से शक्तिशाली, संपन्न और सम्माननीय हो जाओगे। किंतु इस अभियान के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। असुर? असुर से सहायता? मैं देवों का देव इंद्र शत्रु से सहायता मांगू? अपने अहंकार नामक पशु को वश में न रख पाने का दंड है ये। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। हमें क्या करना होगा प्रभु? असुरों को इस बात का लालच देना होगा कि अमृत पान में वो आपके साथ सहभागी होंगे। वो मान जाएंगे, किंतु ध्यान रहे, अमृत पान से पहले किसी भी स्थिति में आप उनसे युद्ध नहीं करेंगे। जाइए सागर मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कुर्मा यानी कछुए के रूप में अवतार लिया ताकि कछुए की विशाल और सपाट पीठ पे मंद पर्वत को ठोस और स्थिर आधार मिले। हमारे प्राण ले ले, हमें बचाइए। भयभीत ना हो, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, केवल वो ही ये विष पीकर आपकी सहायता कर सकते हैं। लक्ष्मी, स्वर्ग लोग में आकर फिर से निवास कीजिए, फिर से स्वर्ग लोग धन धान्य से संपन्न हो जाए, कृपा कीजिए माँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सदा स्वर्ग लोक में रहूं, तो मैं भगवान विष्णुदेव की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। हे भगवान, हमें इस विपदा से उभारिए। देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ।
लोग के लिए रख लेता हूँ। रख लो, इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है, हमें तो अमृत की प्रतीक्षा है। छीन लो इसे, देवताओं के हाथों में न जाने पाए। अमृत हमारा है। मैं पीऊंगा। अमृत को असुरों से बचाओ, इस पर हमारा अधिकार है, अन्यथा हम अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। भूल गए भगवान विष्णु के आदेश को? नहीं मैं पीऊंगा। नहीं अमृत मैं पीऊंगा। इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ? अमृत तो सबके लिए है ना? आप कहें तो मैं आप सब में समान रूप से वितरित कर दूं। आप सबको अमृत पान कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुंदरी, तुम्हारे सुंदर हाथों से अमृत पान करके अमृत का आनंद ही कुछ और होगा। रुको, पहले देवों को तो पिला दूं। वाह, क्या मोहिनी सूरत है। हाय हाय, इसकी हंसी तो हमें मार डालेगी। हाँ, अरे अमृत भी नहीं बचा पाएगा।
ये सुंदरी कोई और नहीं विष्णु का मोहिनी रूप है। तुम्हारे साथ छल हुआ है। ऐसी धूर्तता, इतना बड़ा कपट, आक्रमण, सर्वनाश कर दो इन दुष्ट देवताओं का। छोड़ दीजिए नारद मुनि, जाने दीजिए मुझे, मैं भी असुरों से लड़ूंगा। बालक, तुम यहीं से खेल देखो, मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अमृत पान नहीं किया। देखा कितनी बुद्धिमान है तुम्हारी बहन। नारायण नारायण। जैसा विष्णु भगवान ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सागर मंथन से मिले अमृत और निधियों को पाकर देवगण फिर से शक्तिशाली हो गए और स्वर्ग लोक में खुशहाली फिर से लौट आई। नारद मुनि, स्वर्गलोक में अब सब ठीक है, आनंद ही आनंद। अब देवों को किसी का डर नहीं। इंद्र, 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 तुमने छल कपट से मेरे पुत्रों की हत्या की है। इस माँ की हार तुम्हारा सर्वनाश करेगी। अभी अभी एक मुसीबत से निकले, अब एक और श्राप। नारद मुनि, कौन है ये? ऋषि कश्यप की पत्नी दिति, असुरों की माँ। अरे, ऋषि के पुत्र असुर? विडंबना तो देखो, देवों के पिता भी ऋषि कश्यप ही है। जागिए स्वामी, आप अपने तप में मग्न हैं और मैं आपकी पत्नी पुत्र वियोग की अग्नि में भस्म हो रही हूँ। आप मेरी भी तो सुध लीजिए। जो तुमने मेरी तपस्या भंग की। क्षमा करें, किंतु मेरी ही बहन के पुत्रों ने अपने ही भाइयों का वध किया है। आप मुझे वर दीजिए कि मेरे और भी पुत्र हों, जो मिलकर इंद्र और उनके देवों का सर्वनाश कर सकें। तथास्तु, जा, तेरे जुड़वा पुत्र होंगे। माता दिति को वर तो मिला, परंतु उनका वर मांगने का उद्देश्य और समय अशुभ था। इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दुष्ट और अहंकारी बने। बड़े होने के साथ ही उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था। इसी भांति मैं अपने भ्राता इंद्र का भी कष्ट दूर करूंगा। मुझे इतना शक्तिशाली बनना है कि तीनों लोक मेरा स्वामित्व स्वीकार करे। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हिरण्याक्ष की इतने वर्षों की घोर तपस्या के कारण इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा है। मुनिवर, अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना चलते हैं भगवान विष्णु के पास। यूं सारे खलु। अभी इसका समय नहीं आया बालक। नारायण नारायण। मैं तुम्हारे तप और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, जो भी वर चाहो मांग लो। देवों के देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजय अमर हो जाऊं। जिन देवों और पशुओं का मैं नाम लूं, वो मुझे मार न सके। तथास्तु। अब भ्राता इंद्र का कष्ट दूर करने का समय आ गया है। इंद्र को परास्त कर अजय अमर हूं मैं। तीनों लोगों का स्वामी बन चुका हूँ मैं। नहीं, नहीं। भूमि देवी, अब तू मेरी दासी है। बचाओ। नहीं, बचाओ।
यक्ष ने भूमि देवी को सागर तल में कहीं बंदी बनाकर रखा है। हमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, केवल वो ही भूमि देवी को मुक्त करा सकते हैं। विष्णुदेव, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। जो मेरा सामना करने का दुस्साहस कर सके। अजय अमर हूं मैं, तीनों लोगों का स्वामी, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, तुम्हारे अज्ञान पर मुझे हंसी आती है। जब तक तुम भगवान विष्णु को पराजित नहीं करते, तब तक तुम न अजय हो न अमर और ना ही तीनों लोगों के स्वामी। अज्ञानी तो तुम निकले नारद मुनि, ब्रह्मदेव का वरदान है मेरे साथ। अब मैं तुम्हारे विष्णु से अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे भयभीत होकर छिप कर बैठा है कहीं। अरे नादान, वो छिप कर नहीं बैठे, वराहवतार के रूप में सागर तल में भूमि देवी को खोज रहे हैं। जाओ उन्हें ललकारो जाकर और अपने अहंकार को चूर चूर होते हुए देखो। जाओ। मेरा अहंकार चूर चूर होता है या तुम्हारे विष्णु का अस्तित्व, ये तुम देखना। बाप रे, क्या हंसी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको डर नहीं लगता? नारायण नारायण। ये विष्णु, रुक, युद्ध कर मुझसे, बचकर कहां जाएगा? रुक। देवी, अब तुम स्वतंत्र हो। धन्यवाद प्रभु। आजा दुष्ट राक्षस, अब मैं तेरा वध करके तीनों लोगों को तेरी काली छाया से मुक्त करूंगा। यही तो प्रभु की लीला है। वर मांगते समय हिरण्याक्ष एक पशु का नाम लेना भूल गया था। कौन था वो? वराह। हाँ। नारायण नारायण, जो भी होगा अच्छा होगा। जाइए इंद्रदेव, अपने सिंहासन को शोभित कीजिए। भगवान विष्णु की जय हो। सावधान विष्णु, तुमने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यप अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो
तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। साधना से प्रसन्न हुआ, कहो क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस, न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न स्वर्ग लोक में, न मृत्यु लोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। सावधान कायर देवताओं। अब मैं वर प्राप्त अजय अमर अपराजय योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, अन्यथा तुम सबको मेरे क्रोध की बलि चढ़ना होगा। स्वयं मुझे अजय अमर होने का वर दिया है, अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। जाओ, विष्णु के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, उसके भक्तों का सर्वनाश कर दो, केवल मेरा स्वामित्व स्वीकार करने वालों को ही अभयदान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी, वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। मुनिवर सुन रहे हैं? ये छोटा सा बच्चा उस राक्षस को चुनौती दे रहा है, विष्णु देव की पूजा कर रहा है, उसे राक्षस का डर नहीं? ये बालक विष्णु देव का परम भक्त है, और विडंबना देखो कि वो इसी राक्षस का पुत्र है। राक्षस पुत्र, विष्णु देव का भक्त? हाँ, मैंने इसे विष्णु भक्ति की दीक्षा दी थी। कब? जब इसकी माता मेरे आश्रम में आई थी, तब ये बालक माँ के गर्भ में था। हिरण्यकश्यपु, ये कैसा अपशकुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है, ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने। सदा सुमिरन कर ले प्यारे में हरि समावे, सदा सुमिरन कर ले प्यारे नाम में हरी समावे।
किसका तो माया पाश लिपट ना पावे, माया पाश लिपट ना पावे। भव की गहरी खाई भी वो, भव की गहरी खाई भी वो, क्षण में पार करा। धिक्कार है तुम पर, बंद करिए विश्वाणी। क्षमा करे पिताश्री, भगवान विष्णु की भक्ति को नकार दो असंभव। छोटा मुंह बड़ी बात, आपके लिए भी यही उचित होगा। आप उनसे क्षमा मांग कर उन्हें अपना स्वामी स्वीकार ले। कायर विष्णु मेरा स्वामी, ये कहने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तू मेरा पुत्र है, विष्णु भक्ति का कलंक धोकर क्षमा मांग ले तो प्राणदान अब भी संभव है। पिताश्री आप जैसा उचित समझे करे। भगवान विष्णु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे क्योंकि वे हमेशा मेरे साथ हैं। कहाँ है तेरा विष्णु? कहाँ नहीं है, हर कहीं है वो। तब तो इसमें भी होगा। या इसमें, या फिर इसमें। कहाँ है तेरा विष्णु? अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो तो मेरे भय के कारण स्वर्ग में कहीं छिप कर बैठा है। अब अंतिम क्षण अपने विष्णु का स्मरण कर ले। अहंकारी राक्षस, तू अपने ही बुने हुए शब्द जाल की भेंट चढ़ गया है। स्मरण कर वरदान के शब्दों को। मैं न देव हूं, न मानव, न पशु। ये न दिवस है न रात्रि। ये न अंदर है न बाहर, चौखट है। तू न आकाश में है न धरती पर, मेरी जंघा पर है। और मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। तेरी भक्ति और आस्था ने मुझे धरती पर नरसिंह अवतार के रूप में आने के लिए बाध्य कर दिया, अन्यथा इस पापी का अंत संभव नहीं था। अब यह धरती पाप मुक्त हो गई है, निर्भय होकर न्याय का पालन करते हुए शासन करो। आयुष्मान भव। युवराज प्रहलाद की जय हो, युवराज प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन
और उसके पुत्र बलि की विष्णु भक्ति का प्रभाव धरती पर फैल गया। विष्णु भक्ति के प्रभाव और प्रसार के कारण इंद्रदेव विचलित हुए और अंततः उन्होंने विष्णु भक्त विरोचन की हत्या कर दी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आदेश पे विरोचन के पुत्र बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया और इंद्रदेव के स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि इंद्रदेव से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले सकूं। अग्निदेव ने तुम्हें जो शस्त्र भेंट किए हैं उनके कारण अब तुम महाशक्तिशाली हो, तुम्हारी विजय निश्चित है। महाराज विराज बलि की जय हो। महाराज विराज बलि की जय। लो, स्वर्ग पर फिर से आक्रमण हो रहा है। ये राक्षस तो देवताओं के पीछे ही पड़ गए। महाराज विराज बलि की जय हो। तीनों लोगों के स्वामी की जय हो। तीनों लोगों का स्वामी बनकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। महाराज विराज बलि की जय हो। महाराज विराज बलि की जय हो। नारद जी, लगता है कोई अप्सरा रो रही है। ये अप्सराएं तो रोती ही रहती है। सत्य वचन, आओ उसी से पूछते हैं। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। सुंदरी कहो क्या कष्ट है। कष्ट ही कष्ट है। बलि राजा ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब देवगण तक यहाँ वहाँ भागे भागे फिर रहे हैं तो अब हम कहाँ जाएं? मुनिवर आप ही कुछ कीजिए ना। नारायण नारायण। सुंदरी ये नारद मुनि है, झगड़ा करवाते हैं। करते नहीं। ये हंसी करने का समय है। क्या कहे सुंदरी, स्वयं इंद्रदेव इस दुर्दशा के उत्तरदायी है। देख लो स्वयं उनकी माता अदिति कितनी क्षुब्ध है, अपने पुत्रों के संकट निवारण का प्रयास कर रही है। ओम विष्णवे नमः। 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 तुम्हारी भक्ति भावना से मैं कृतार्थ हुआ माँ। क्या आज्ञा है? प्रभु बलि और उसके असुरों का वध कीजिए और मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। स्वर्ग में उनका छीना हुआ स्थान वापस दिलवाइए प्रभु। जो योग्य होगा करूंगा। मैं शीघ्र ही आपकी कोख से जन्म लेकर अपने भ्राताओं की रक्षा करूंगा। यदि आपने बलि का वध किया तो क्या ये अपने ही भक्तों पर अन्याय नहीं होगा? मैंने कब कहा मैं बलि का वध करूंगा? मैंने तो कहा जो योग्य होगा वो करूंगा। बलि असुर अवश्य है किंतु वो दुष्ट नहीं, दयालु है, विशाल हृदय है। अपार शक्ति के दंभ में वो ढीठ हो गया है। इस बार मुझे शक्ति से नहीं युक्ति से विजय प्राप्त करनी है। मेरे इस लघु रूप को देखकर शंका ना करें। जिस दिन बलि यज्ञ का आयोजन करेगा उस दिन मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा। पधारिये ब्राह्मण देवता, पधारिये, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए क्या सेवा करूं? दान धान्य स्वर्ण रजत हीरे मोती संकोच न करें ब्राह्मण देव। बलि राज का वचन है, जो भी कहेंगे वो आपका। मुझे तो केवल 3 पग भर भूमि की ही आवश्यकता है। कृपया लज्जित न करें। 3 पग भर भूमि?
वो भी आपके पग, क्या होगा उससे? आवश्यकता से अधिक की कामना नहीं है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। ब्राह्मण देव, पहले मैं आपके चरण धो लूं। कहीं ये विष्णु का रूप तो नहीं, किंतु ये यहाँ क्या करने आया है? कोई उपाय करना होगा। जल क्यों नहीं आ रहा है? गुरु शुक्राचार्य, मैं जानता हूँ कि आप इस जल का प्रवाह रोक रहे हैं, किंतु आप ये विधि को संपन्न होने से नहीं रोक सकते। ब्राह्मण देव, स्वर्ग और मृत्यु लोक समा गए, अब तीसरा पग कहां रखूं? अब तुम्हारे पास कुछ शेष नहीं है, तुम्हारा वचन तो अपूर्ण रह गया। तुमने हमारे महाराज के साथ छल किया है। आक्रमण, आक्रमण! रुक जाओ, फेंक दो अपने शस्त्र। युद्ध नहीं होगा, प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा। हे भगवान विष्णु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, प्राणों से अधिक मूल्यवान मेरे पास और कुछ नहीं। तुम्हारी वचनबद्धता और व्यवहार से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। असुर होकर भी तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम देवतुल्य पूजनीय। ऐसी पवित्र आत्मा को मैं अपमानित नहीं करना चाहता। वामन अवतार के रूप में मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर लिया है। तुम पाताल लोक पर एक दयालु और न्यायप्रिय शासक के भांति शासन करो। जो आज्ञा भगवान। आयुष्यमान भव।
समय के साथ बलि राजा पाताल लोक पे शासन करने लगे और पृथ्वी लोक का शासन क्षत्रिय राजा संभालने लगे। वे सत्ता पाकर अहंकारी हो गए और निर्बल लोगों पे अत्याचार करने लगे। लोगों की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका के पुत्र के रूप में अवतार लिया। आज तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। ये परशु मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के रूप में भेंट करता हूं। अब तुम अजय हो। अब संसार तुम्हें परशुराम के नाम से संबोधित करेगा। शिक्षा पाने के बाद परशुराम अपने माता पिता के आश्रम में लौट आए। समय यूं ही बीत रहा था कि अचानक एक दिन कैसी चमत्कारी गाय है, घड़ी भर में सैकड़ों सैनिकों की भूख मिटा दी। इसे तो महाराज की सेवा में होना चाहिए। सच कहते हो, इसे ब्राह्मण के आश्रम में नहीं राजमहल में होना चाहिए। आपकी चरण रज से ब्राह्मण की कुटिया पवित्र हुई महाराज। ब्राह्मण देवता, आपकी कामधेनु हमें चाहिए। जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं आप उचित समझें, मांग लें। महाराज, ब्राह्मण के जीवन में स्वर्ण मुद्राओं का क्या मूल्य, और फिर कामधेनु हमारी माता के समान है, माँ को बेचा नहीं जाता महाराज। तो राजा के आदेश की अमानता का परिणाम भी देख लो। सैनिकों, कामधेनु को राजमहल में ले जाओ। एक पग भी आगे बढ़ाया तो मृत्यु निश्चित है। क्या हुआ पिताश्री, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? राजा कार्तवीर अर्जुन आखेट के लिए आया था। मैंने उसका स्वागत सत्कार किया, दुग्धपान कराया, लेकिन उसकी नियत में खोट आ गई। उसके आदेश पर सैनिक कामधेनु को ले गए। आपने उन्हें जाने कैसे दिया? हम क्या करते, विवश होकर देखते रहे। किंतु मैं विवश नहीं हूँ। राजा हो या महाराजा, कुछ भी करके मैं कामधेनु को वापस लाऊंगा। राजा का वध भी करना पड़े तो भी। ब्राह्मण का धर्म युद्ध करना नहीं, धर्म और ज्ञान का प्रसार करना है। अब क्षत्रियों के अत्याचार का अंत करना भी मेरा धर्म है। क्षत्रियों के सर्वनाश का प्रण करता हूँ। कल का सूर्योदय कामधेनु इसी आश्रम में देखेगी। कहाँ है तुम्हारा दुष्ट राजा? उससे कहो चुपचाप कामधेनु लौटा दे। मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगा, अन्यथा उसे अपनी नीचता का फल भोगना ही होगा। क्या कहा? उस ब्राह्मण पुत्र ने मुझे ललकारने का दुस्साहस किया है। इस धृष्टता का दंड उसे मलकर ही रहेगा। परशुराम का सिर राजमहल के द्वार को शोभित करेगा। अरे रे, इन मूर्खों को परशुराम की अपार शक्ति का ज्ञान ही नहीं। उन्हें क्या पता कि परशुराम के पास भगवान शिव का भेंट किया हुआ ब्रह्मास्त्र है। उसे बंदी बनाकर ले आ। मुझसे ये खून खराबा देखा नहीं जाता, रोकिए ना इन्हें। परशुराम को रोकू?
मैं मरना है मुझे? नारायण नारायण, तुम्हें डर लग रहा है? तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मुझसे इनकी चित्कार सुनी नहीं जाती। हे सुंदरी, तुम अपने कान बंद कर लो। इधर परशुराम ने प्रतिज्ञा पूरी कर कामधेनु के साथ आश्रम लौट आए, परंतु उधर महल में शोक छाया हुआ था। जब तक हम अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेते, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। इस ब्राह्मण पुत्र को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना ही होगा। यही उचित है। प्राण के बदले प्राण, पिता के बदले पिता। नहीं, चलो। परशुराम, उन्होंने मेरे पिता की हत्या नहीं की, अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। माताश्री, जितनी बार तूने अपनी छाती पीटी है, उतनी बार मैं क्षत्रिय वंश का नाश करूंगा, धरती को क्षत्रिय मुक्त कर दूंगा। पधारी है ऋषिवर, इस ब्राह्मण की कुटिया में आने का कैसे कष्ट किया। तुमने जो संकट उत्पन्न किया है उसका निवारण करने आया हूँ परशुराम। तुमने तो उन क्षत्रियों के मन में भी आतंक भर दिया है जो दयालु और चरित्रवान है। तुम ये भूल गए कि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की आवश्यकता है। इन दोनों के बिना संसार असुरक्षित है परशुराम, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मेरे पास प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि मैं अपना शेष जीवन त्याग और तपस्या में व्यतीत कर दूं और आप वो भूमि स्वीकार कीजिए जो मैंने शत्रुओं से छीनी है। यही सतमार्ग है परशुराम। आयुष्मान भव। चलो, अच्छा हुआ खून खराबा तो खत्म होगा। उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को अच्छा सबक सिखाया, अब शायद ये अत्याचार नहीं करेंगे, है ना नारद मुनि? अरे नारद मुनि कहाँ गए? नारायण नारायण। पधारिए मुनिवर। नारायण नारायण। आपकी मधुर मुस्कान के पीछे मन की दुविधा भी देख रहा हूं। तब तो प्रभु क्षत्रियों के मन में परशुराम का भय और आतंक भी देख रहे होंगे। यही स्थिति रही तो धरती पर त्राही त्राही मच जाएगी प्रभु। सत्यवचन देवऋषि, धरती की सुरक्षा अति आवश्यक है। मेरे ही क्रोध का परिणाम है तो मुझे ही कोई उपाय करना होगा। कैसे प्रभु? क्षत्रियों के मन से भय निकालकर, उनकी मान मर्यादा लौटाकर, एक ऐसे आदर्श शासक का अवतार लूंगा जिसकी न्यायप्रियता, त्याग और कर्म उसे मर्यादा पुरुषोत्तम की महानता प्रदान कर सके। और वो अवतार था दशरथ नंदन श्री राम। कैसा दुर्भाग्य
कि मुझे स्वयं अपने पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ रहा है। भरत भी तो आप ही का पुत्र है और आप ही ने मुझे वचन दिया था कि मैं जो चाहूं मांग सकती हूं, तो मैंने मांग लिया कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। पिताश्री, आपके वचन का सम्मान करना तो हमारा धर्म है, आपके आदेश का पालन होगा। किंतु इस दुर्योग का आभास तक नहीं था मुझे। मुझे क्षमा कर पुत्र, मुझे क्षमा कर। पिताश्री, मुझे लज्जित ना करें, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। भरत, शत्रुघ्न, माता कह गई के कृत्य से हम बहुत दुखी हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसा क्या किया है उन्होंने, अपने पुत्र का भला कौन मां नहीं चाहेगी। किंतु पुत्र तो आप भी हैं। किंतु मैं केवल पुत्रवत हूँ, इस कारण मां कैकेयी का निर्णय न्याय संगत है। मैं आपके तर्क नहीं सुनना चाहता, आप लौट चलिए, अपना राज्य संभालिए जिस पर केवल आपका अधिकार है भ्राता, केवल आपका। और पिताजी ने जो माँ कैकेयी को वचन दिया है उसका क्या होगा, मैंने जो अपने पिता को वचन दिया है उसका क्या। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा वापस लौटना असंभव है। तो आपके सिंहासन पर बैठकर उसका अपमान करना मेरे लिए भी असंभव है। ये तो कोई उपाय नहीं हुआ भरत। उपाय है भ्राता, आप हमें अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। आपकी अनुपस्थिति में ये सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर आपका प्रतिनिधित्व करेंगी। तुम्हारे जैसा अनुज पाकर मैं धन्य हुआ भरत, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कौन हो आर्यपुत्र? मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ देवी। तुम्हारे तेज, गरिमा और सुंदरता से मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। क्षमा कीजिए, मैं आपसे ब्याह नहीं कर सकता, मेरा ब्याह हो चुका है, ये है मेरी पत्नी सी। यदि मैं इसका वध कर दूं, तब तो करोगे मुझसे ब्याह? भूल जाओ अपने दिवा स्वप्न को। तो देख लो ये स्वप्न है या सत्य। मेरी नासिका, ऐसा दुस्साहस, लंकेश की बहन शूर्पनखा हूँ मैं। तुम सबका अंत निश्चित है, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। क्या कहा? आर्यपुत्र राम ने रावण की बहन का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया और उसके भाई ने तुम्हारी नाक काट ली। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है भ्राता। तो मैं उस स्त्री का अपहरण करके उसे अपनी दासी बनाऊंगा और वो दोनों मेरी क्रोधाग्नि की बलि चढ़ेंगे। सावधान दशानन, राम लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं, अपार शक्ति के स्वामी हैं। तो मैं किससे कम हूँ मामाश्री, महादेव का वरदान है मेरे साथ। आइए अपने विद्वत्ता का परिचय देने के लिए एक खेल रचाते हैं। मामाश्री, आप मायावी स्वर्ण मृग का रूप धरकर उन्हें आखेट के लिए आकर्षित कीजिए। वाह, कितना सुंदर मृग है, स्वर्ण मृग पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इसे मेरे लिए लेकर आएंगे? पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, लाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण, सावधान रहना। मुझे
मानवी मृग है, संकट का प्रतीक है। निश्चिंत रहो माता सीता, वो पुरुषोत्तम है, सुरक्षित है। बचाओ लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ। क्या तुम्हें उनकी गुहार सुनाई नहीं देती? लक्ष्मण जाओ, मेरा आदेश है, जाओ मेरे स्वामी की सहायता करो। सचमुच परम सुंदरी है, ये मेरे स्वर्ण महल की शोभा बढ़ाएगी, ये दासी नहीं रानी बनने के योग्य है। माता, किसी भी स्थिति में ये रेखा पार मत कीजिएगा। भिक्षां देहि देवी, भिक्षां देहि देवी। रुकिए ब्राह्मण देवता, मैं अभी आई। आयुष्मती भवा, तुम सीता को अकेला छोड़कर क्यों आ गए? आप ही ने सहायता के लिए गुहार लगाई थी माता, सीता के आदेश पर ही मैं यहाँ आया। ओह, अब समझा, ये कोई मायावी छल था, सीता संकट में है। भिक्षां देहि देवी। भिक्षां देहि देवी। आ, छोड़ दे दुष्ट कपटी पापी, तू साधु नहीं हो सकता। साधु नहीं सुंदरी, मैं हूँ रावण लंकेश। छोड़ दे मुझे। श्री, अवश्य माता सीता संकट में है। माँ सीता की ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। नारद मुनि, मुझे दीजिए तलवार, मैं छुड़ा कर लाऊंगा उन्हें। धीरे बोलो भैया, रावण सुन लेगा तो डर जाएगा। पता है बालक, जो बदमाश तुम्हें उठाकर ले गए थे, ये रावण उनसे लाखों गुना शक्तिशाली है, इसीलिए भगवान को ही युद्ध करने दो। भैया देखो, आहा हनुमान जी आ गए, अब आएगा मजा। प्रभु, आपके सेवक हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्य है। प्रभु, माता सीता की खोज में मैं धरती आकाश एक कर दूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम गले के नाम करेंगे चलो राम का काम। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय जय राम। राम ही भक्ति, राम ही भक्ति,
की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम बाण या राम दूत हो सदा विजय ही पाया, जल सागर या भव सागर हो राम ने पार कराया, राम बाण या राम दूत हो सदा विजय ही पाया, जल सागर या भव सागर हो राम ने पार कराया, जल सागर या भव सागर हो, जल सागर या भव सागर हो राम ने पार कराया, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की शक्ति और मर्यादा स्वयं धर्म है राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम पाकर तैरे हैं सागर पर पाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम की शक्ति से ही लंका पर उड़ान, राम नाम की शक्ति से ही लंका पर उड़ान, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अगणित राक्षस वीर दशानन कोई न टिक पाया, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी में खुशी और उत्सव का वातावरण छा गया। पूरे नगर में दिवाली मनाई गई। श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की जो अपने आप में एक मिसाल बन गई। मगर जब युग बदला, ये क्या हो रहा है नारद मुनि? राजा कंस के अत्याचारों से धरती जल रही है। भगवान, क्या अत्याचार और अन्याय सहना ही मेरी नियति है? क्या कंस के पापों का कोई अंत नहीं? मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। भूमि देवी की दुर्दशा देखकर भी आप कुछ भी नहीं करेंगे? कंस जैसे असुर कब तक भूमि देवी का अपमान करते रहेंगे? उत्तर दीजिए भगवान। चिंता न करो देवी, कंस का अंत निकट ही है। शीघ्र ही मैं कंस की बहन देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, एक ऐसा अवतार जो धरती को पाप मुक्त करेगा और मानवता को आदर्श जीवन की राह दिखाएगा। दुष्ट पापी, सुन, तू जिस बहन के ब्याह पर प्रसन्न हो रहा है उसी के कोख से जन्मा 8वां पुत्र तेरे काल का कारण बनेगा। देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दो।
इनकी संतान जन्मते ही मुझे सूचित करो। एक एक का वध करना है। नारद मुनि, आठवीं संतान ही क्यों? भगवान इसके पहले क्यों नहीं आते? ये तो प्रभु की लीला है, तो वो ही जाने। वासुदेव अपने आठवें पुत्र को गोकुल धाम ले जाकर राजा नंद की पत्नी यशोदा के आश्रय में दे दो और उनकी नवजात पुत्री को यहाँ ले आओ। महाराज की कृपा है राजकुमार। छन्ना, ये व्यक्ति कौन है? श्वेत केश, त्वचा पर झुर्रियां, और ये इतना दुर्बल क्यों है छन्ना? ये तो प्रकृति का नियम है राजकुमार, ये वृद्ध हो गए हैं। छन्ना, ये व्यक्ति कर्रा क्यों रहा है? ये कुष्ठ रोग से पीड़ित है राजकुमार। कैसा रोग? इसे क्यों हो गया है? किसी को भी हो सकता है, ये तो शरीर है। विकार की आशंका तो बनी रहती है राजकुमार। सभी को? जी राजकुमार, सभी को। ये चार जन क्या लेकर जा रहे हैं? उनके परिजन की मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु क्या होती है? मृत्यु जीवन का अंत है राजकुमार। फिर क्या होता है? शव को शमशान ले जाकर जला देते हैं। क्या सभी की मृत्यु निश्चित है? जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना ही है। क्या मुझे भी? क्षमा कीजिए राजकुमार, हाँ आपको भी। रुको छन्ना, ये कौन है? इनके मुखमंडल पर कैसी आभा है, कितनी शांति है, कैसे? ये संत हैं,
साधु हैं। इन्होंने संसार को त्याग दिया है राजकुमार। दुख और पीड़ा के अंत के लिए मुझे भी इस सांसारिक जीवन का त्याग कर सनातन सत्य के दर्शन करने हैं। राजमहल त्यागने के बाद युवराज सिद्धार्थ वर्षों तक सत्य की तलाश में यहां वहां भटकते रहे। अंततः एक बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते समय उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सत्य के दर्शन के बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और युवराज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। शीघ्र ही बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनके प्रवचनों और सत्संगों के द्वारा लोगों को आठों पदों का ज्ञान होने लगा। इच्छाएं ही दुख का कारण है। इच्छाओं को त्याग कर जीवन की सार्थकता और सत्य का आलिंगन करो, पीड़ा मुक्त हो जाओ। हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाओ। अहिंसा और प्रेम से ही आनंद की अनुभूति संभव है। वाह, कितना सुंदर और आनंददायी प्रवचन है। पर बड़ी दुख की बात है कि अब भी कुछ दुर्जन ईर्ष्यावश भगवान के अहित की कामना करते हैं। नारायण नारायण। महाराज, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर सैनिक उसकी अहिंसा अपनाने लगे हैं। हमारे अस्तित्व के लिए बुद्ध का अंत आवश्यक है। इस हाथी को मादक पदार्थ खिलाकर मत मस्त कर दो। छोड़ दो इसे बुद्ध पर। हो जाने दो बुद्ध और उसके उपदेशों का अंत। विधाता ने समस्त मानवता की रचना समानता के आधार पर की है। ये कैसी विडंबना है कि मानवता को सत्य की दिशा देने के लिए भगवान को भी कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। तो क्या हुआ, अपने उद्देश्य में सफल तो हुए ना। जनसाधारण ही नहीं, राजा महाराजा तक उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। केवल इस देश में ही नहीं, दूर विदेशों में भी लोग उनके उपदेशों को अपना रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। सदाचार की राह पर चलने वालों का हित और दुराचारियों का अंत मेरे हाथों निश्चित है। जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आऊंगा।
अग्नि अश्व पर आरोहित हो सत्य और न्याय की धार से असत्य और अन्याय को काट कर फेंक दो, धरती फिर पाप मुक्त हो जाएगी। मानवता एक ऐसे युग में प्रवेश करेगी जहां सत्य न्याय और चरित्र की बागडोर से संसार रूपी रथ चलेगा। सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। ये क्या हुआ? ये हम कहां आ गए? हम तो आसमान में थे। जाग गए? लगता है तुम्हारी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं। नारायण नारायण। नारद मुनि कहां? कहां है नारद मुनि? आप ही नारद मुनि हो। मैं नारद मुनि? अरे मैं तो पुजारी हूँ, भगवान का सेवक। ऐसे कैसे? आप ही ने हमें स्वर्ग की सैर कराई। वहाँ हमने विष्णु भगवान के दर्शन किए, उनके दश अवतार देखे। वाह, कितना सुंदर सपना देखा तुमने। सपना नहीं, वो सच था। आपने एक मंत्र कहा था और हम आसमान में पहुँच गए। मैंने मंत्र पढ़ा? क्या तुम्हें याद है? हाँ, उफ, अजय भैया तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ हाँ, इस समथिंग संसारे, अरे मुझे भी याद नहीं। हमने देखा कि विष्णु भगवान ने धरती की रक्षा की जैसे उन्होंने हमारी की थी। अब तो मानते हो ना कि भगवान विष्णु ने तुम्हें बचाया, तुम्हारी रक्षा की, और ये भी कि सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की भगवान हमेशा मदद करते हैं। हाँ। नारायण नारायण। अरे सुबह हो गई है, तुम्हें घर नहीं जाना? हाँ। भूत, 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 भूत। मम्मी पापा। अजय आरती, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? होता कैसे? हाँ, भगवान विष्णु ने जो हमें बचाया। भगवान विष्णु? हाँ सच्ची, पुजारी जी से पूछ लो। अरे पुजारी जी कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। क्या यही वो गुंडे हैं जो तुम्हें उठाकर ले गए थे? चलो ले जाओ इन्हें। भैया क्या ये सपना था? पता नहीं, जो भी हो सच तो देख लिया। नारायण नारायण। मुसीबत में फंसे बच्चों को पुजारी के रूप में नारद मुनि ने विष्णु भगवान के पालनहार होने के सारे रूपों से परिचित ही नहीं कराया, बल्कि उस विश्वास को भी बल दिया कि पृथ्वी का पालनहार हमेशा सबके भले के लिए आज भी तैयार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।